Good morning, everyone. This is me, अक्षय सोनी, आपका रीजनिंग टीचर. और आज हम जो कॉन्सेप्ट करेंगे वो है जी डायरेक्शन सेंस. ठीक है, डायरेक्शन सेंस ये आपका जो टेस्ट है, ये आपका जो ये सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है. ठीक है, तो डायरेक्शन सेंस जो है आपके पंजाब गवर्नमेंट, ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है, और जो है बैंक पीओ क्लैरिकल, इन सब के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. इवन आप अगर देखो ये आपके कैट मैट, इनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. तो सबसे पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें. ठीक है, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें. तो डायरेक्शन सेंस में सबसे पहले हम देख लेते हैं डायरेक्शंस. डायरेक्शंस कौन कौन सी इसमें है. तो सबसे पहले ही जो मेन डायरेक्शन है, मेन डायरेक्शंस हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. देखिए अगर हम देखें इनमें नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कुछ एंगल बना हुआ है. ठीक है, ये कितने डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री एंगल. ठीक है, अगर हम देखें नॉर्थ और वेस्ट में सेम क्या आपके पास 90 डिग्री एंगल है. अब हम ईस्ट और वेस्ट में देखें तो ये 180 डिग्री बन रहा है कंबाइन. ठीक है, तो उसी तरह से नॉर्थ और साउथ में क्या है, इनमें भी 180 डिग्री एंगल बनेगा. ठीक है, 180 डिग्री एंगल. ओके, तो ये तो होगी जी मेन डायरेक्शंस. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. ठीक है, अब हम चलते हैं सब डायरेक्शंस की ओर. तो सब डायरेक्शंस जो हैं आपके, वो इनके बीच में जो डायरेक्शंस होंगी उनको हम सब डायरेक्शंस बोलते हैं. ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें नॉर्थ और ईस्ट के बीच में से जो जा रही है डायरेक्शन है, ठीक है, इसको हाफ में डिवाइड कर रही है. तो देखो क्या है, हमें जनरली क्या होता है, जो ये एरिया है, ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच का एरिया, जो ये एरिया है, ये एरिया नॉर्थ ईस्ट में काउंट होता है. ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट. ठीक है, अब हम देखें एंगल, तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में कितना है, इसमें है 45 डिग्री का एंगल. ओके, इसी तरह से इसके ऑपोजिट कौन सी है, जी साउथ वेस्ट. ठीक है, अब इन दो डायरेक्शंस के बीच में, नॉर्थ वेस्ट के बीच में कौन सी है, जी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. सिमिलरली साउथ ईस्ट डायरेक्शन. ठीक है, तो देखो 90 जो चार मिल के बना रहे हैं 360 डिग्री का एंगल. सिमिलरली 45 डिग्री जो है, 45 डिग्री 8 मिल के बना रहे हैं 360 डिग्री का एंगल. तो देखो यहाँ पे आपके पास ये 45 है, इसके आगे 45 आएगा, उसी तरह से 45 45 चलता रहेगा. तो आपको इसमें
जो मल्टीपल्स मिलेंगे वो मिलेंगे, एक तो 90 डिग्री के, एक मिलेंगे 45 डिग्री के, ठीक है। तो 90 डिग्री का होगा जो मल्टीपल, तो ऑब्वियसली 45 डिग्री का भी होगा, ओके। तो आपको जो एंगल्स रहेंगे इसमें वो रहेंगे 135, 180, 225, 270, 360, 4, 315, ठीक है, एटसेट्रा, इस तरह से एंगल्स रहेंगे। अब हम बात करते हैं, देखो ये तो क्लियर कि मेन डायरेक्शन, ये सब डायरेक्शन, इनको सब डायरेक्शन क्यों बोला गया, क्योंकि ये क्या है, दो मेन डायरेक्शन से मिलके बनी है, दो मेन डायरेक्शन से मिलके बनी है। अब जो जनरली हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जो ये नॉर्थ और साउथ ही क्यों लिया मैंने, ठीक है, ये मैंने ही नहीं, ये तो पहले से चलता आ रहा है, ठीक है। तो ये नॉर्थ और साउथ ही क्यों लिया गया सबसे पहले, तो इसके लिए जो नॉर्थ और साउथ पोल को जो कोइंसाइड करेगी डायरेक्शन, ठीक है, यही हम मेन मानते हैं, ठीक है। इसलिए क्या है, जो नॉर्थ और साउथ है आपका, ये क्या बनता है आपके मेन डायरेक्शन, इसमें इसको प्राइमरी डायरेक्शन बोलेंगे। नॉर्थ और साउथ क्या है आपकी प्राइमरी डायरेक्शन, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट क्लास है, तो प्लीज आपने जब भी अगर आपको लगे कि कुछ चीज मतलब मेरे से मिस हो गई या आपसे मिस हो गई, एक्चुअली आपसे मिस हो गई, मैं फास्ट बोल रहा हूँ, तो आपने क्या करना है, उसको वीडियो को प्लेबैक कर लेना, या चलते चलते आपने इसका क्या कर लिया करना, बीच में आपने स्क्रीनशॉट ले लिया करना, ये आपको हेल्प करेगा, ओके। तो फिर नेक्स्ट जो आपके पास थिंग रहेगी वो है कि जो लेफ्ट और राइट, इसमें क्वेश्चन में आता है कि लेफ्ट साइड जा रहा है या राइट साइड जा रहा है, क्लॉकवाइज चल रहे हैं या एंटी क्लॉक चल रहे हैं, ठीक है। तो देखो जो क्लॉक चलती है, क्लॉक में क्या होता है आपके पास, जो मिनट आर और सेकंड के हैंड्स हैं वो आपके इस साइड ही चलते हैं, ठीक है, इस साइड ही चलेंगे। तो इनको क्या करना है आपने, क्योंकि ये ऐसे घूम के इस तरह से पूरा आएगा, तो जो क्लॉक वाइज है वो हमारे राइट की साइड, जैसे कोई भी पर्सन टर्न करेगा राइट की तरफ टर्न करेगा, तो क्या आएगा आपके, वो आपका क्लॉक वाइज गिना जाएगा। तो राइट क्या है, टर्न राइट, टर्न राइट जो है आपके क्लॉक वाइज में आता है, क्लॉक वाइज टर्न में, और टर्न लेफ्ट जो है आपके एंटी क्लॉक में आता है, एंटी क्लॉक वाइज टर्न, ओके, ठीक है। तो अब मैं बेसिक उसमें चलता हूं, आपको एक टिप के तौर पे बता देता हूं, आपने जब भी क्वेश्चन को करना है, ठीक है, आपने सामने माननी है, अपनी बुक का होगी, कॉपी होगी, या आपने अपना जो भी जिसमें भी आप देख रहे हो क्वेश्चन को, ठीक है, तो आपने क्या करना है, राइट मानना है हमेशा सामने, हमारा राइट नॉर्थ वाला जो पर्सन देख रहा है उसके राइट की तरफ होगा, ठीक है, और हमारा लेफ्ट होगा जो नॉर्थ वाला पर्सन होगा उसके लेफ्ट की तरफ, ठीक है। अब जो देखो ये पर्सन है हमारी तरफ देख रहा है, मतलब हमारी ही डायरेक्शन में देख रहा है, जिस डायरेक्शन में हम देख रहे हैं, ओके, और जो पर्सन ऑपोजिट होगा हमारी डायरेक्शन से ऑपोजिट देख रहा है, मतलब हम देख रहे हैं सामने, वो पर्सन देख रहा है दूसरे ऑपोजिट, तो वो पर्सन किस साइड रहेगा, जिस साउथ में, और उसका जो राइट है राइट रहेगा इसका इस साइड को, ठीक है। वैसे भी देखो आप, ये क्लॉक वाइज क्या, क्लॉक वाइज इस तरफ को चल रहा है, ये चल रहा है इस तरफ को, ठीक है। तो आपने क्या करना है, राइट क्या है, राइट हमेशा इस साइड ही आएगी, यहाँ पे राइट आए, इस साइड राइट आए, ऊपर राइट आए, तो आपने राइट को हमेशा यहाँ पे ले लेना, ठीक है, और लेफ्ट जो है लेफ्ट ऊपर रहेगा आपका, लेफ्ट इसके, ओके। तो ये जो डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये आपको हेल्प करेगा। जब भी आपको क्वेश्चन में आए इस तरह से कि लेफ्ट टर्न लेना है, कोई पर्सन है वो साउथ में जा रहा है, उसने लेना है लेफ्ट टर्न, तो लेफ्ट टर्न देखो साउथ में जा रहा है, इस लाइन के हम पैरेलल चलेंगे, इस पॉइंट से चले हम इस लाइन के पैरेलल नीचे की तरफ, ठीक है। अब साउथ में यहाँ पे इस पॉइंट पे खड़ा है पर्सन, ठीक है, तो यहाँ से वो लेफ्ट टर्न लेगा। तो लेफ्ट टर्न का क्या मतलब है, लेफ्ट टर्न किस तरफ आएगा, इस डायरेक्शन के हमने देखो ये साइड है तो इस साइड चलना हमने, ओके, इस पॉइंट के पैरेलल चलना हमने, या आप ले लो इसमें एंटी क्लॉक कर लो, ठीक है, एंटी क्लॉक, इस पॉइंट से एंटी क्लॉक चलेंगे तो किस साइड आएगा, ओके। देखो एक चीज और आपने दिमाग में रखनी है कि जब भी आपने ये टर्न राइट या टर्न लेफ्ट करना है तो ये हमेशा होगा कि आपका 90 डिग्री, हमेशा 90 डिग्री, जब तक एंगल मेंशन ना हो तब तक ये 90 डिग्री ही रहेगा, ओके, इज इट क्लियर, ठीक है। अब हम एक सैंपल क्वेश्चन लेते हैं, उसके आपको ज्यादा समझ आएगा। क्वेश्चन है, अ मैन इज फेसिंग ईस्ट, ही मूव्स 10 मीटर टुवर्ड नॉर्थ एंड देन टेक से लेफ्ट टर्न एंड मूव्स 5 मीटर देन अगेन टेक्स ए लेफ्ट एंड मूव्स 10 मीटर। तो क्वेश्चन है हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है और कितना दूर है। देखो अ मैन इज फेसिंग ईस्ट, कौन से डायरेक्शन को फेस कर रहा है, देखो सनराइज इज इन द ईस्ट, ठीक है, ईस्ट को फेस कर रहा है, ईस्ट को फेस कर रहा है, ठीक है, तो ईस्ट को फेस कर रहा है, इसके बाद क्या किया वो 10 मीटर चला इस तरफ नॉर्थ की तरफ, तो 10 मीटर नॉर्थ की तरफ चला तो उसका क्या मतलब है, उसने क्या किया ईस्ट से वो लेफ्ट के तरफ उसने क्या किया मूव किया, तो ईस्ट में नहीं चला वो, चला वो नॉर्थ में, ओके। तो इसको मैं डायग्राम के थ्रू यहां पे बना रहा हूं, देखो ये पर्सन है जी, ये देख रहा है ईस्ट में देख रहा है, ठीक है, बट पर्सन ने इसमें ईस्ट की तरफ कोई मूवमेंट नहीं की, ठीक है, मूवमेंट जो की है इसने नॉर्थ की तरफ की है, तो नॉर्थ की तरफ मूवमेंट की है इसने, कितनी मूवमेंट की है जी 10 मीटर, ठीक है 10 मीटर, ये ईस्ट की तरफ नहीं चला, ये नॉर्थ की तरफ चला, ओके स्ट्रेट। इसके बाद उसने क्या किया एक लेफ्ट टर्न लिया, लेफ्ट टर्न का क्या मतलब है, लेफ्ट टर्न क्या है एंटी क्लॉक, ठीक है। अब देखो ये समझ लो आप, ये 12 बजे है, ये 12 बजे, ठीक है, तो 12 बजे से अगर रिवर्स में चले तो क्या आ जाएगा आपका एंटी क्लॉक आ जाएगा, अगर हम क्या करें अपने इसमें उसी प्रोसीजर में चले, ठीक है, जैसे हमारा मतलब टाइम चलता है तो वो क्या आ गया क्लॉक वाइज आएगा। तो इसमें इस पॉइंट से अगर हम देखें, देखो ये थे यहाँ पे, अगर इस तरफ चले तो ये राइट आ गया, अगर इस तरफ चले तो लेफ्ट आ गया, तो
तो लेफ्ट मूव किए इसने कितना 5 मीटर, तो 5 मीटर इसने लेफ्ट मूव किया। ओके अब किस डायरेक्शन को शो कर रहा है, किस डायरेक्शन को शो कर रहा है, प्लीज लेट मी नो। ये कर रहा है आपके वेस्ट डायरेक्शन को शो, ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। इसके बाद उसने क्या किया, एक और लेफ्ट लिया। एक और लेफ्ट का क्या मतलब है, इसने क्या किया, इस पॉइंट से उसने लेफ्ट टर्न लिया। अब आपको याद होगा, देखो क्लॉकवाइज क्या होगा, इसके ऊपर वाली साइड होगा, मतलब राइट चलेंगे तो ऊपर वाली साइड, लेफ्ट चलेंगे तो एंटी क्लॉक आ गया, ठीक है। तो एंटी क्लॉक ही है आपका लेफ्ट, तो इस पॉइंट से नीचे की तरफ इसने मूव किया, ठीक है। अब कौन सी डायरेक्शन है, इतना चला ये 10 मीटर, अब कौन सी डायरेक्शन है, ठीक है, कौन सी है, साउथ है, ये साउथ, ये जो एरो है ये शो करेगा आपकी डायरेक्शन को, ये साउथ डायरेक्शन है। अब देखो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपका पूरे बराबर रहेगा। देखो समांतर रेखाएं जो होती हैं, पैरेलल लाइंस, उनमें क्या होगा, डिस्टेंस क्या आएगा, हमेशा बराबर रहेगा। इस पॉइंट पे सेम है तो इस पॉइंट पे भी सेम रहेगा, कितना आएगी 5 मीटर। तो 5 मीटर जो है यहाँ पे डिस्टेंस है इन दो पॉइंट्स का, ओके, इन दो पॉइंट्स का 5 मीटर डिस्टेंस है। अब देखो इन्होंने बोला, इस क्वेश्चन में बोला कि हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है और किस डायरेक्शन में। तो ये है जी आपका स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट किया इस पॉइंट से, और इस पॉइंट पे उसने किया जी एंड, ठीक है, ये जो है पॉइंट ये एंड किया इसने। तो इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस तो हमें पता चल गया कितना है जी 5 मीटर, ठीक है। अब हम देखते हैं डायरेक्शन कौन सी है, तो डायरेक्शन कौन सी है, इस पॉइंट से देखो ये पॉइंट किस डायरेक्शन के पहले ला रहा है। तो देखो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, आपने मुझे बताना है, ठीक है। आपने जब भी डायरेक्शन चेक करनी होगी किसी भी पॉइंट से, तो आपने क्या करना है, उस पॉइंट को, जिस पॉइंट से डायरेक्शन चेक करनी दूसरे पॉइंट की, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने, ये स्टार्टिंग पॉइंट हमने यहाँ पे कंसीडर किया। अब ये जो लाइन है पैरेलल, ठीक है, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को जोड़ रही है, किस लाइन के पैरेलल है, देखो ये है कि आपके इस लाइन के पैरेलल, ठीक है, हमने देखना है इस पॉइंट से इस तरफ को, ठीक है, इस पॉइंट से हमने वेस्ट वाले पॉइंट की तरफ देखना है। तो क्या आएगा आपके पास 5 मीटर वेस्ट इज द आंसर, ओके, ठीक है। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, सबसे बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी तरह से आपके क्या है, इसमें 3-4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो हम सारे डिस्कस करेंगे, ओके। तो नेक्स्ट है आपके पास एक, इसमें पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड आता है ये क्वेश्चन, तो पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड क्या है आपने याद रख लेना, ऑलरेडी क्या है मैथ्स में आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ए बी सी, ठीक है, देखो ए है जी बेस, एन है जी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है और ये है हाइपोटेनस, ठीक है। तो मुझे ये एच पी बी हमने पढ़े हुए पहले भी, ठीक है। तो देखो क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, ये एच स्क्वायर इस हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर और बेस के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो क्या आता है जी, एच आ गया आपके पास अंडर रूट
पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है, अंडर रूट पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो आपने क्या करना है, आपने बस इतनी सी याद रखने की, जब ये आपके पास आएगा, मान लो जैसे हाइपोटेन्यूस है आपके पास पांच, ये आपके पास दिया है तीन, और बेस आपके पास नहीं दिया, तो क्या आएगा आपके पास, क्या करोगे आप, ये हाइपोटेन्यूस है, वो आपने क्या करना है, परपेंडिकुलर को दूसरी साइड ले गए, परपेंडिकुलर को दूसरी साइड ले गए, बी आ गया अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर, तो कितना आएगी 25 माइनस 9 कितना बच गया 16, अंडर रूट 16, तो कितना है जी इसका आंसर, इसका है जी जो हमारा बेस है वो हमारा 4 आएगा। तो इस तरह से ट्रिपलेट भी आप याद रख सकते हो, ये 3 4 5 ये ट्रिपलेट बनाएगी, 6 8 और 10 ये ट्रिपलेट बना, ठीक है, इस तरह से 2-3 ट्रिपलेट आते हैं उनको आप याद रख सकते हो। ओके, तो इसके ऊपर बेस्ड मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फिर हम नेक्स्ट लेवल के नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, नेक्स्ट टाइप में। क्वेश्चन है जी, पॉइंट ए इज टुवर्ड साउथ वेस्ट ऑफ पॉइंट बी एंड इज थ्री मीटर अवे, सॉरी 5 मीटर अवे, पॉइंट सी इज 3 मीटर from point B at 4 millimeter from point B and in साउथ डायरेक्शन, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट सी फ्रॉम ए, तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपली क्वेश्चन लिख के है मैंने, ज्यादा कोई हार्ड नहीं है। तो इसमें क्या है, पॉइंट ए पॉइंट बी और पॉइंट सी के बारे में बात की गई है, तो पॉइंट ए जो है वो साउथ वेस्ट में है पॉइंट बी के, अगर पॉइंट बी में सबसे पहले हमने ले लिया पॉइंट बी, ठीक है, तो उसका साउथ वेस्ट कैसे बनेगा, साउथ वेस्ट इस तरह से बनेगा कि आपके पास ये जो पॉइंट है ना तो ये साउथ में है ना ये वेस्ट में है, ठीक है, ये इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट से आप देखो, अगर हम नीचे की तरफ चले, अब डाउनवर्ड चले, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा साउथ, अगर हम चले इस लाइन के पैरेलल, ठीक है, ईस्ट के ऑपोजिट चले, तो ये आ गया जी, ये आ गया आपके पास वेस्ट। अब जो साउथ वेस्ट है वो इन दोनों पॉइंट के बीच में आएगा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आएगा ये पॉइंट, ठीक है, तो क्या आएगा आपके पास, ये आएगा जी साउथ वेस्ट। अब देखो जो पॉइंट ए है वो पॉइंट बी से कितना दूर है, 5 मीटर दूर है, ठीक है, इस जगह पे आ जाएगा पॉइंट ए, ठीक है। अगर हम बात करें पॉइंट सी की, तो वो भी हमें पॉइंट बी से ही बताया है कितना दूर है जी, पॉइंट बी से ये जी 3 मीटर अवे, 3 मीटर अवे, ठीक है। अब जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये पूछा है इन्होंने, ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, और
पॉइंट ए से देखना है पॉइंट सी को कि किस डायरेक्शन में आ रहा है। तो ये जो मैंने आपको देखो जनरली बताया अभी क्या कि पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये 5, 3 और क्या है आपके पास ये ट्रिपलेट है तो आपके पास क्या है डिस्टेंस आ गई आपके पास 4 मीटर। बट अब मुझे बताओ इस पॉइंट से ये पॉइंट किस डायरेक्शन में है, कौन सी डायरेक्शन में है जी? ये है इस पॉइंट से ये पॉइंट ए से सी देखना है तो कौन सा आएगा जी? ईस्ट आएगा। तो ये जो ए से सी है जी ईस्ट, ठीक है, ए से सी की तरफ देखें। अगर आप देखो इसमें डायग्राम में देखो फिर से हमने क्या करना है, यहाँ पे ए है, इस पॉइंट पे सी है, इस लाइन के पैरेलल चल रहा है ये चल रहा है ईस्ट डायरेक्शन के पैरेलल, ठीक है। तो आपका क्या है ये इसका आंसर रहेगा। ओके जी, ठीक है। देखो मैंने शुरू में आपको एंगल्स के बारे में बताया तो आपके सबसे पहले क्या है आपके एंगल्स के क्वेश्चन क्या है वो आ सकते हैं। तो ये टाइप 2 में काम कर रहा हूं जिसको मैं टाइप 2 एंगल बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या है आपको देखो क्या करना है, आपने लेफ्ट और राइट और जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का ध्यान रखना है। इसमें दो ही तरह से आपके क्वेश्चन आते हैं, इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, आपको दिया होगा एंगल कितना कितना टर्न किया और लेफ्ट और राइट, ठीक है। तो क्वेश्चन है अ मैन इज फेसिंग वेस्ट ही टर्न्स 225 डिग्री क्लॉकवाइज एंड 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अगेन रिटर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज एंड 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है जी, ये इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो क्या सबसे पहले आपके पास है 225 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लिया इसने, ठीक है। मैंने बताया जब तक आपको एंगल मेंशन ना किया जाए तो आपके पास है नॉर्मल, इसमें क्या है आपने 90 डिग्री लेफ्ट और राइट लेना है। बट अभी क्या है आपके पास यहाँ पे 225 डिग्री क्लॉकवाइज है तो उसके अकॉर्डिंग ही हम करेंगे। किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है जी, वेस्ट डायरेक्शन को फेस कर रहा है शुरू में, और 135 जो है एंटी क्लॉक इसने टर्न लिया, फिर से क्या किया इसने 45 डिग्री लिया क्लॉकवाइज टर्न और 180 डिग्री इसने लिया एंटी क्लॉक टर्न, ठीक है। तो फाइनली पूछा इसमें कि कौन से डायरेक्शन को फेस कर रहा है, ठीक है। तो देखो इसके दो प्रोसीजर हैं, एक तो कर सकते हो आप नॉर्मल मैथमेटिकली, ठीक है, सेकेंड क्या है इसको कर सकते हो आप इसके थ्रू, ये आप इसको डायग्राम के थ्रू करो, ठीक है। तो जो डायग्राम है, डायग्राम में यहां पे बना रहा हूं, कॉन्सेप्ट को समझना आपने,
ठीक है। तो सबसे पहले ये वेस्ट डायरेक्शन को फेस कर रहा है, वेस्ट डायरेक्शन को फेस कर रहा है, तो कितने कितने डिग्री इसने चला, किस कितने डिग्री इसने टर्न लिया, तो इसने लिए जो 225 डिग्री टर्न क्लॉकवाइज, तो वेस्ट डायरेक्शन से 225 डिग्री। देखो यहाँ पे आगे लिए 45 आ गए क्योंकि जो क्लॉकवाइज ही होगा, ठीक है, तो राइट की तरफ, तो 225 लिया तो 45 गया, ये 90 डिग्री आ गया, ये 135 आ गया, ये 180 डिग्री आ गया, ठीक है। 180 डिग्री के बाद आपने क्या करना है, हमने 45 अगर और ऐड किए तो कितने हो गए थे हमारे पास 225, तो 225 आ गया आपके पास। ये सबसे पहले आए जी साउथ ईस्ट में आए, ये पहली बार में आए, ये फर्स्ट जो हमने किए यहाँ पे 225 क्लॉकवाइज। सेकंड क्या है इसके बाद, 135 डिग्री एंटी क्लॉक, तो एंटी क्लॉक का क्या मतलब है, ये रिवर्स में चलेगा, तो रिवर्स में देखो ये 45, ये 90 और ये आ गया जी 135, ये क्या आएगा आपका 135, ये सेकंड में आ गया, ये कंप्लीट हो गया, ओके। उसके बाद ई टर्न्स 45 डिग्री टुवर्ड क्लॉक, ठीक है, क्लॉक वाइज चला, तो 45 क्लॉक का क्या मतलब है, इसने ये किया क्लॉक वाइज चला, सिर्फ इतना सा मूव किया इसने, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ आया, ठीक है, ये भी थर्ड कंप्लीट हो गया, ओके। इसके बाद क्या किया उसने, 180 डिग्री चला वो एंटी क्लॉक। अब देखो 180 डिग्री चाहे आपके पास क्लॉक आए या एंटी क्लॉक आए, तो वो क्या रहेगा आपके पास, सेम ही रहेगा। जैसे नॉर्थ में देख रहा है कोई पर्सन तो साउथ, अगर ईस्ट में देख रहा है कोई पर्सन तो वेस्ट, 180 डिग्री चाहे क्लॉक हो चाहे एंटी क्लॉक। तो देखो नॉर्थ ईस्ट का 180 डिग्री क्या आएगा, साउथ वेस्ट, ये आएगा जी आपके पास 4, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर भी यही है आपके पास, ये करेगा फेस साउथ वेस्ट को। अब देखो ये तो था पहला प्रोसीजर, मान लो कोई क्वेश्चन बड़ा आ गया, ठीक है, बड़ा क्वेश्चन आ गया तो उसमें आप कैसे करोगे, उसमें तो आप घुमाते रह जाओगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्लॉक वाइज को इकट्ठा कर लेंगे, क्लॉक वाइज कितना है यहाँ पे 225, सेकंड एज 45, ये भी क्लॉक वाइज में था, तो कितना आ गया 225 प्लस 45 कितना बन गया जी 270 डिग्री क्लॉक वाइज है, तो मैंने इसको क्या है यहाँ पे राइट लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद है आपके 135 और 180, तो 135 और 180 को मैंने ऐड किया तो कितना आ गया जी 315, ठीक है। तो 315 जो है आपके पास क्या है यहाँ पे, ये है जी लेफ्ट की वैल्यू, मतलब एंटी क्लॉक की वैल्यू आ गई, ओके। तो हमने क्या करना है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर देना है। बड़ी वैल्यू कौन सी है, बड़ी वैल्यू है लेफ्ट की वैल्यू, मतलब एंटी क्लॉक की वैल्यू, और छोटी वैल्यू कौन सी है आपकी, ये राइट की वैल्यू, ओके। तो राइट को हमने लेफ्ट में से माइनस किया, तो 315 में से मैंने कर दिया 270 माइनस, कितना बचा जी मेरे पास, बच गया 45। अब ये कौन सी वैल्यू का बचा होगा, लेफ्ट का कि राइट का, कैन यू टेल मी। देखो इसके लिए एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है कि जैसे मैंने -8 में से प्लस -8 + 5 किया, कितना आता मेरे पास, मेरे पास आएगा -3। तो -3 क्यों लगे, यहाँ पे माइनस क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन था वही हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो बड़ी वैल्यू कौन सी है जी, लेफ्ट की वैल्यू है बड़ी, और छोटी वैल्यू है हमारे पास राइट की। तो बचा जो हमारे पास, ठीक है, जो हमारे पास डायरेक्शन बची, ठीक है, वो बची थी हमारे पास लेफ्ट की। तो आपने क्या करना है, ये जो वैल्यू है, ये एंगल की वैल्यू को हमने क्या करना है, एंटी क्लॉक, यस एंटी क्लॉक, ये जो है हमने क्या करना है, वेस्ट में जो आपको शुरू की डायरेक्शन दी है उसमें हमने इसको लगाना है। तो वेस्ट है, वेस्ट से 45 डिग्री लेफ्ट, तो वेस्ट से 45 डिग्री एंटी क्लॉक क्या आएगा जी आपके पास, साउथ वेस्ट, ओके, साउथ वेस्ट आएगा आपका इसका आंसर, ठीक है। तो दोनों से कंफर्म हो गया आपके पास कि आंसर इतना रहेगा, ठीक है जी, क्लियर है। ये इजी क्वेश्चन आता है, ये तो थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया था, आपका यहीं तक क्वेश्चन लिमिटेड रहेगा, सिंपल क्वेश्चन आता है, कोई ज्यादा टफ नहीं आता, ओके जी।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट टाइप, जिसमें पर्टिकुलर डायरेक्शन आपको शुरू में दी होती है, पर्टिकुलर शुरू में पर्टिकुलर है, एक विशेष डायरेक्शन दी जाएगी ठीक है, और आपको एंड की डायरेक्शन दी जाएगी ठीक है। एंड की डायरेक्शन आपने ध्यान रखना, पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो इसमें क्वेश्चन इस तरह से आएगा, अ बस टेक्स ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इन दी स्टार्टिंग एंड मूव्स 2 किलोमीटर, देन इट टेक्स लेफ्ट डायरेक्शन, सॉरी लेफ्ट टेक्स ए लेफ्ट एंड मूव्स 3 किलोमीटर अगेन, एक से राइट एंड मूव्स 4 किलोमीटर अगेन, एक से राइट एंड मूव्स 5 किलोमीटर and reaches its destination. If bus is facing south, then in which direction it started to move? ठीक है, किस डायरेक्शन में इसने चलना शुरू किया? देखो क्या है आपके पास, ये बहुत इजी क्वेश्चन है ठीक है। इसमें क्या आपको दो तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हो, एक तो क्या है हम डायग्राम के थ्रू चले ठीक है, कि हमने इसमें लास्ट से शुरू की तरफ हमने मूवमेंट की, तो वो क्या है हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करती है ठीक है। तो एक तो हो सकता है कोई भी आप पर्टिकुलर डायरेक्शन ले लो, आपने कंपस यूज किया होगा। कंपस क्या होता है, एक जगह से आपके जब भी आप मूवमेंट करते हो तो वो मूव करता है, उसका नॉर्थ साउथ इस तरह से, मतलब वो क्या है उसमें जो व्हील लगा होता है वो मूव करता है, उसमें जो डायरेक्शन शो करने वाला होता है ठीक है, वो हमेशा जो पॉइंट है वो शो करेगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को, जैसे आप मूव करोगे तो उसके अकॉर्डिंग मूव करेगा ठीक है। तो हम यहाँ पे जो पहला मेथड है, पहला मेथड जो है वो वही मेथड लगा सकते हैं। देखो सबसे पहले कोई एक डायरेक्शन ले लो, आप मान लो आपने ले ली नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन में चला ये 2 किलोमीटर ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, नॉर्थ डायरेक्शन में चला 2 किलोमीटर ठीक है, 2 किलोमीटर चला नॉर्थ में, उसके बाद क्या किया इसने, एक लेफ्ट लिया। अब यहाँ पे लेफ्ट किस तरफ को रहेगा, लेफ्ट जो है आपका लेफ्ट है वेस्ट की तरफ, कितना चला 3 किलोमीटर ठीक है। 3 किलोमीटर चलने के बाद उसने राइट जो लिया ठीक है, राइट चला तो कितना चला 4 किलोमीटर। अब इस पॉइंट से राइट किस तरफ को आएगा, राइट आएगा जी आपका क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ 4 किलोमीटर ठीक है, और 4 किलोमीटर चलने के बाद उसने फिर से राइट लिया। तो देखो ये नॉर्थ में कर रहा है जी आपको पॉइंट, नॉर्थ में पॉइंट कर रहा है, तो आप क्या किस तरफ को आएगा, राइट को हमारे राइट की तरफ आएगा इसका,
कितना चला जी 5 किलोमीटर, ठीक है। तब जो 5 किलोमीटर है ये पॉइंट क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे ये एंड पॉइंट है और यहाँ पे शो करिए जी डायरेक्शन साउथ, ठीक है, साउथ करिए इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। अब देखो साउथ तो कभी ईस्ट की तरफ तो आ नहीं सकता, आपने क्या करना है इसको इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ही आप डायग्राम बना लो, ठीक है। सबसे पहला तो मेथड यही है कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ही डायग्राम बना लो। क्या आएगा, इस जगह पे साउथ है, इस जगह पे साउथ है तो इस उसके 180 डिग्री क्या आएगा आपके पास, नॉर्थ आएगा। ओके, ये नॉर्थ आ गया और नॉर्थ के हमेशा क्लॉकवाइज में आपने याद रखना है, नॉर्थ के हमेशा क्लॉकवाइज में आएगा ईस्ट। तो मुझे बताओ क्लॉकवाइज किस तरफ आएगा, क्लॉकवाइज आएगा कि ये पॉइंट है नॉर्थ की तरफ है, क्लॉकवाइज इस तरफ को ही चलेगा, यही होगी क्लॉक, ठीक है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आपके पास यहाँ पे आ गया जी ईस्ट और ये आ गया वेस्ट। अब देखो जो शुरू में हमने डायरेक्शन चली वो किस डायरेक्शन के पैरेलल है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो देखो ये ऊपर की तरफ चला तो ये इस डायरेक्शन ईस्ट डायरेक्शन के पैरेलल चला, तो आपका क्या आंसर आएगा इसमें, ईस्ट आएगा, ठीक है, ईस्ट आएगा इसका आंसर आपका। ओके, ईस्ट जो है आपकी पर्टिकुलर डायरेक्शन है, शुरू की डायरेक्शन, स्टार्टिंग डायरेक्शन, ठीक है, ये है जी ईस्ट। बट अब ये जो मेथड है आपका, हो सकता है कुछ बच्चों को समझ ना आए, कुछ बच्चे समझ गए होंगे, ठीक है, तो ये क्या आपका थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मेथड है। तो सबसे इजीली क्या जो मेथड है मैं आपको बताता हूँ, इसमें ये जो वैल्यू है, ये नंबर जो है ये किसी काम के नहीं है, जब भी आपको पर्टिकुलर डायरेक्शन का आएगा क्वेश्चन, ठीक है, ये नंबर जो है जो डिस्टेंसेस दिए गए हैं वो किसी काम के नहीं है। आपने क्या करना है इसमें, देखो कोई भी डायरेक्शन है, जैसे मान लो कि पर्सन जा रहा है कि ईस्ट में, ठीक है, उसने क्या किया, एक उसने लेफ्ट लिया दूसरा लिया उसने राइट, एक उसने लेफ्ट लिया दूसरा उसने राइट लिया, ये लेफ्ट था यहाँ पे उसने राइट ले लिया, तो ये जो लेफ्ट और राइट है पहले वो ईस्ट डायरेक्शन में चला था, एक लेफ्ट और एक राइट लेने के बाद भी वो ईस्ट डायरेक्शन में ही चल रहा है, ठीक है। तो क्या मतलब है कि जब भी डायरेक्शन की बात आए तो आपके पास लेफ्ट और राइट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, लेफ्ट और राइट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पे, आपने क्या करना है, लेफ्ट राइट कितने लेफ्ट लिए यहाँ पे, पहला लेफ्ट लिया है जी, ठीक है, उसके बाद दूसरा राइट लिया है, तीसरा राइट लिया है, यहाँ पे कितने हैं हमारे पास, एक लेफ्ट, इस चीज को मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ ऊपर इस जगह पे, तो कितने जी, एक लेफ्ट था तो मैंने एल लिख दिया, सेकंड क्या आपके पास राइट है, तीसरा भी आपके पास राइट है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया एक लेफ्ट एक राइट को कैंसिल करेगा, तो लेफ्ट से राइट को कैंसिल कर दिया, जो बच गई आपके पास वैल्यू, जो भी आपके पास रिमेन करी जो वैल्यू, मतलब रिमेन करा लेफ्ट या राइट में से कोई एक, ठीक है, तो उसका आपने करना है रिवर्स, ठीक है, मतलब अगर राइट बचा है तो आपने लेफ्ट चलना है 90 डिग्री, अगर लेफ्ट बचा है तो आपने राइट चलना है 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपके पास राइट बचा है, तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट डायरेक्शन है आपके पास, जो एंड डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन की क्या करना है हमने, इसका लेफ्ट चलना है। तो देखो ये था आपके पास डायग्राम, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। अब साउथ था जी आपके पास फाइनल, तो फाइनल से हमने क्या करना है, लेफ्ट चलना है, तो लेफ्ट क्या आएगा आपके पास, ये 90 डिग्री लेफ्ट ईस्ट, तो ईस्ट भी आपका आंसर रहेगा। देखो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, ये चीज आपने नोट डाउन करनी है कि जब भी आपके पास बचा, अगर इफ राइट रिमेन,
इफ राइट में, राइट का मतलब है क्लॉकवाइज, तो क्या करना है आपने 90 डिग्री लेफ्ट चलना है, ठीक है। अगर बचा आपके पास लेफ्ट रिमेन करा, ठीक है, तो आपने क्या करना है 90 डिग्री राइट चलना है, ओके। तो देखो आपके पास राइट बचा था, तो हमने क्या किया 90 डिग्री लेफ्ट मूव किया, लेफ्ट चले हम डायग्राम में, तो हमारे पास क्या है जी, शुरू की डायरेक्शन आ गई, स्टार्टिंग डायरेक्शन ईस्ट, इज इट क्लियर, प्लीज लेट मी नो। ठीक है जी, तो आपके पास जो इम्पोर्टेंट है वो यही है। देखो बाय द वे आपके पास दो लेफ्ट और दो राइट होते, दो लेफ्ट या दो राइट होते तो आपके पास कौन सी डायरेक्शन आती, प्लीज मुझे बताओ। मान लो जैसे आपके पास दो लेफ्ट है दो राइट है, ठीक है, तो आपके पास कौन सी डायरेक्शन आती। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन करवा रहा हूं। एक देखो यहाँ पे क्या है, एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल हो गया, दूसरे लेफ्ट से दूसरा राइट कैंसिल हो गया, तो आपके पास आएगी जो एंड डायरेक्शन है वही सेम डायरेक्शन होगी, जो एंड डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन रहेगी आपके पास इसमें। ठीक है, एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ सिंपल। देखो ये मैं इसमें अब डिस्टेंस इंक्लूड नहीं करूंगा, ओके। सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। क्वेश्चन है सेम टाइप, अ मैन फेसिंग साउथ साउथ ईस्ट, चलो ये तो मैंने क्वेश्चन कैसे कर दिया। अ मैन इज फेसिंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, a man is facing a particular direction, he moves some distance and then takes a left after moving some distance, he takes left again at last he takes right and moves some distance to reach his destination. If he is facing southwest at last, what was his first direction, his initial direction? What was his initial direction? तो ये क्वेश्चन है, प्लीज जल्दी जल्दी मुझे चैट पे बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, फिर मैं डिस्कस करता हूँ उसको। तो देखो इसमें क्या दिया आपके पास, पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, शुरू की डायरेक्शन क्या है आपके पास, विशेष डायरेक्शन है,
कितने इसने लेफ्ट लिए, कितने इसने राइट लिए। तो पहला लेफ्ट ले लिया, ठीक है, कुछ डिस्टेंस चला और उसके बाद इसने पहला लेफ्ट लिया, फर्स्ट लेफ्ट, फिर उसके बाद एक और लेफ्ट लिया, इसके बाद एंड में उसने लास्ट में लिया जी एक राइट, ठीक है। कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहा है एंड में, वो कर रहा है जी साउथ वेस्ट को। तो हमने क्या करना है, नॉर्मली हमने क्या करना है इसमें, इस तरह से लेफ्ट लेफ्ट और राइट लिखा, तो एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल हो गया, ठीक है। और जो बच गया उसका हमने 90 डिग्री रिवर्स ले लेना उसका, ठीक है। अब लेफ्ट का 90 डिग्री रिवर्स क्या आएगा जी, राइट, ठीक है। तो 90 डिग्री राइट क्या है, जिस डायरेक्शन पे है ये एंड डायरेक्शन है उस पे हमने अप्लाई करना है। तो देखो ये था जी आपके पास डायग्राम, ठीक है, ये है आपके पास साउथ वेस्ट, ठीक है, साउथ वेस्ट। आपके पास बचा है लेफ्ट, तो आपने चलना है 90 डिग्री राइट। जब 90 डिग्री राइट चलोगे इसमें, तो 90 डिग्री राइट किस तरफ को आएगा, क्या ये इस डायरेक्शन में आएगा, इस तरफ को होगा, क्या ये ऊपर वाली साइड को होगा। तो देखो राइट का मतलब है क्लॉक वाइज, तो क्लॉक वाइज क्या आएगा आपके पास, ये आएगा जो ऊपर वाली साइड को, ठीक है। तो कौन सा आएगा ये, नॉर्थ वेस्ट, तो इसका आंसर है नॉर्थ वेस्ट। तो पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या आ गई आपकी, नॉर्थ वेस्ट। ओके, इज इट क्लियर। ठीक है, देखो इसके ऊपर क्या है, एक और क्वेश्चन बन सकता है आपका, एक और क्वेश्चन बन सकता है किस तरह का, यहाँ पे आपको शुरू की डायरेक्शन दी होगी, एंड की डायरेक्शन नहीं दी होगी, ठीक है, आपको लेफ्ट राइट इसी तरह से दिया जाएगा। एक क्वेश्चन करते हैं उस तरह का, आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन है जिसमें कि शुरू की डायरेक्शन दी होगी, एंड डायरेक्शन नहीं होगी। ओके, तो एंड डायरेक्शन नॉट गिवन, क्वेश्चन मैं इसी तरह से बना रहा हूं, अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, he moves some distance in this direction then he takes two right and three lefts, two rights and three lefts along moving some distance to reach his final position what is his final direction, क्या आप मुझे इसके इसका आंसर दे सकते हो, what is his final direction, ब्लर आ रहा है। ओके, अभी क्लियर है, मैं सामने रहूंगा तो ज्यादा क्लियर रहेगा, ठीक है। देखो
अभी देखो अभी ठीक है। चलो देख लो, मैं क्वेश्चन को बता देता हूँ, आपने चेक कर लेना उसको। अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट को देख रहा है, फेस कर रहा है शुरू में, ठीक है। इसके बाद क्या किया, ही मूव सम डिस्टेंस इन इन दिस डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में वो चला, और उसके बाद क्या किया उसने, दो राइट लिए और तीन लेफ्ट लिए, ठीक है, और कुछ कुछ उसने डिस्टेंस चला, ठीक है, और फाइनली वो पहुंच गए अपनी फाइनल पोजीशन पे, ठीक है, वो अपने फाइनल पोजीशन पे पहुंच गया। अब पूछा है कि फाइनल में डायरेक्शन कौन सी, किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है वो, ठीक है। तो इसमें भी हम सेम प्रोसीजर चलाएंगे, बट इसमें क्या होगा, आपके जो हम एंड में करते थे वो स्टेप थोड़ा सा एक कम है। तो देखो क्या है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है जी शुरू में, ठीक है, ये है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, कितना चला वो, क्या किया उसने, दो राइट लिए, दो राइट ले लिए, फिर तीन लेफ्ट ले लिए उसने, ठीक है। तो एक राइट से एक लेफ्ट, दूसरे राइट से दूसरा लेफ्ट कैंसिल हो गया, ठीक है, क्या बचा आपके पास, लेफ्ट। क्या मुझे यहाँ पे वो राइट वाला, जो जैसे मेरे पास जब पिछले उसमें था क्वेश्चन में जिसमें कि एंड डायरेक्शन नहीं दी होती थी, सॉरी शुरू की डायरेक्शन नहीं दी होती थी, उसमें हम करते थे कि लेफ्ट का ऑपोजिट 90 डिग्री राइट, वो हम लेते थे, बट क्या हम यही चीज इसमें भी करेंगे, इसमें हम ये चीज नहीं करेंगे। देखो क्यों, क्योंकि क्या है, हम चल रहे हैं, हमारे पास शुरू की डायरेक्शन दी है, रिवर्स से नहीं चल रहे हैं, हम शुरू की डायरेक्शन दी है, तो जैसा है आपके पास जो चीज बची उसी को हमने फॉलो करना है। हमारे पास है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट से हमने क्या करना है, 90 डिग्री लेफ्ट ही चलना है, जो हमारे पास शुरू की डायरेक्शन है उसी में लगाना है हमने, ओके। तो नॉर्थ ईस्ट से 90 डिग्री लेफ्ट क्या है जी, हमारे पास आ गया नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट इज योर आंसर, इज इट क्लियर। आपने क्या करना है, इसको वीडियो को पॉज करके या इसको बैक करके देख लेना है, ठीक है। मैंने क्या किया उसमें, क्या किया था हमने प्रीवियस में, जब आपके पास फाइनल डायरेक्शन दी होती थी, इनिशियल नहीं दी होती थी, उसमें हमें बैक चलना पड़ता था, ठीक है, बैकवर्ड चलना पड़ता था, जो जो हमने आगे यहाँ पे कोई भी साइड ली तो उसको हमने पीछे मूव किया, ओके। बट इसमें तो हम सामने चल रहे हैं, अपना जो पाथ है उसी को फॉलो कर रहे हैं, तो आपके पास क्या आएगा, नॉर्थ ईस्ट पे लगाया आपने शुरू की डायरेक्शन में, तो आपने सेम ही जो आपके पास बचा वो ही आपने फॉलो करना है, तो क्या आएगा ये नॉर्थ वेस्ट, ओके। ठीक है, एक आपके पास मिक्स क्वेश्चन आ सकता है, मिक्स क्वेश्चन आ सकता है, प्लीज इस क्वेश्चन पे ध्यान देना। ये आपका सिंपल क्वेश्चन और आपका एंगल बेस्ड क्वेश्चन, ये मिक्स करके आ सकता है। अमन इज फेसिंग नॉर्थ, ही टेक्स ए लेफ्ट एंड मूव्स 10 meters। At this point, he turns 450 degrees to his right.
Now, in which direction he is facing? किस direction को face कर रहा है? ठीक है, क्या किया उसने? शुरू में चला नहीं, वो नॉर्थ की तरफ देख रहा था शुरू में, ठीक है, चला नहीं है, बट उसने क्या किया, एक लेफ्ट लिया और चला वो 10 मीटर चला। उसके बाद क्या किया उसने, इस पॉइंट पे पहुंच के 10 मीटर चलने के बाद उसने क्या किया, 450 डिग्री उसने क्या किया, राइट में मूव किया, 450 डिग्री राइट, ओके। तो राइट में उसने क्या किया, यहाँ पे एंगल आपने ध्यान रखना, 450 डिग्री एंगल उसने टर्न किया है, ठीक है, राइट में। तो अब बताना है इसमें कि फाइनली वो किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है, ठीक है, इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखो, अमन चला कि नॉर्थ में, अमन चला नॉर्थ की तरफ, सॉरी अमन फेस कर रहा है इस पॉइंट पे नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, बट वो चला नहीं उसने उस पॉइंट, उस डायरेक्शन में नहीं चला, ठीक है। क्या किया उसने, इस पॉइंट से उसने क्या किया, लेफ्ट टर्न लिया। अब देखो लेफ्ट टर्न का क्या मतलब है, जिस डायरेक्शन को देख रहा है उसका 90 डिग्री लेफ्ट, तो 90 डिग्री लेफ्ट आ गया, या फिर ये वेस्ट आ गया, और कितना चला, ये चला जी 10 मीटर। 10 मीटर चलने के बाद, 10 मीटर चलने के बाद ध्यान रखना, देखो इस जगह पे उसने क्या किया, राइट में मूव किया। तो राइट में मूव करने का क्या मतलब है, इस मार्कर को आपने ध्यान से देखना, ठीक है, ये जो है ये टिप, ये एंड टिप है उसके पैर, ठीक है, और ये उसका फेस है, ठीक है, वो क्या करेगा, इस तरह से मूव करेगा। तो राइट का मतलब उसने ऊपर की तरफ मूव करना है, मतलब क्लॉक वाइज मूव करेगा इस पॉइंट से। देखो ये जब मैंने पूरा चक्कर लगा दिया तो क्या आ गया, ये आ गया मेरे पास 360 डिग्री, ओके 360 डिग्री आ गया राइट में। जब उसने फिर से उसने 360 में 90 में अगर हम ऐड करें, 360 प्लस 90 अगर हमने ऐड किया तो कितना आता है, ये आता है 450, ठीक है। तो क्या किया उसने, 360 ये पूरा चला, ठीक है, और उसके बाद 90 और चला, तो कौन सी डायरेक्शन आ गई, प्लीज लेट मी नो, कौन सी डायरेक्शन आ गई, इसकी डायरेक्शन आ गई आपकी नॉर्थ। देखो क्या किया इसने, इस पॉइंट से चला, ठीक है, इसने पूरा घूम के यहाँ पे आ गया, ठीक है, पूरा चक्कर लगाया उसने और ऊपर पहुंच गया। तो ये क्या आ गया आपका, 450 डिग्री इसने टर्न लिया राइट की तरफ, तो अभी कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ, ओके नॉर्थ। तो इस तरह से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। देखो ये क्या है, आपकी प्रैक्टिस क्लास नहीं है, ये आपकी कॉन्सेप्ट क्लास है। जब भी प्रैक्टिस क्लास रहेगी तो आपको मैं डिटेल में क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, वो आपकी पीपीटी फॉर्म में होगी क्लास, ठीक है, आपको पीपीटी में आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे और उनको आप पढ़ोगे और फिर आपको आपको टाइम दिया जाएगा, थोड़ा सा टाइम उनको करने का, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आपके शेडो बेस्ड क्वेश्चन, शेडो बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार आते हैं, ठीक है, मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन आते हैं। तो शेडो बेस्ड क्या है, ये दो तरह के क्वेश्चन आते हैं शेडो के ऊपर, ठीक है। एक तो आता है आपके पास कि दो पर्सन एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरा आता है कि दो पर्सन एक दूसरे की तरफ पीट करके हैं, ठीक है। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, किसी भी तरह से एग्जामिनर पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो जो क्वेश्चन जो ज़्यादातर ट्रेंड में रहते हैं वो मैं सारे डिस्कस करूंगा आपसे, शैडो बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये है आपके पास वही नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। अब मुझे बताओ मॉर्निंग टाइम में सन किस तरफ होता है, ईस्ट की तरफ,
तो ईस्ट में होगा आपके सन, ठीक है। तो इसी के ऊपर हम क्या करेंगे, मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम के ऊपर हम क्वेश्चन लेंगे। तो सबसे पहले जी मॉर्निंग सन, देखो सन से निकली रेज और एक बड़ी दीवार पे, ये दीवार है ठीक है, ये एक वॉल है। तो सन है ईस्ट में और जब भी मॉर्निंग टाइम होगा तो क्या होगा, उसकी शैडो पड़ेगी उसकी वेस्ट में, ठीक है, वेस्ट में पड़ी उसकी शैडो, ठीक है, वेस्ट में शैडो पड़ी। अब मान लो कोई पर्सन है वो देख रहा है नॉर्थ की तरफ, तो देखो ये जो पर्सन है ये देख रहा है कि नॉर्थ की तरफ, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ का जो पर्सन होगा, नॉर्थ वाली साइड जो पर्सन देख रहा होगा उसके हमेशा राइट में होगा क्या, ईस्ट, राइट में ईस्ट। तो आपका राइट आ गया जी इस तरफ, लेफ्ट आया इस तरफ, ठीक है। अब देखो जो पर्सन ये है नॉर्थ में देख रहा है, इसका ये सारा का सारा ये जो ये एरिया है ये सारा उसका राइट है, ठीक है, और ये जो ये एरिया ये इसका सारा लेफ्ट है। इज इट क्लियर, ठीक है, ये जो है उसका सारा लेफ्ट है और ये उसका सारा राइट है, ठीक है। एक पर्सन देख रहा है जी साउथ में, एक पर्सन देख रहा है साउथ में, ठीक है, तो उसका जो है उसके लेफ्ट में होगा ईस्ट, ठीक है, लेफ्ट में ईस्ट और राइट में उसकी शैडो है, ठीक है। तो जब मॉर्निंग टाइम है, आपने पर्टिकुलरली नोट कर लेना है कि मॉर्निंग टाइम में क्या है, जब नॉर्थ में पर्सन देखेगा तो उसकी लेफ्ट में शैडो बनेगी, जब साउथ में पर्सन देखेगा तो उसके राइट में शैडो पड़ेगी, ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है आपके कि टू पर्सन फेसिंग ईच अदर। तो पहला क्वेश्चन मैं यहां पर उठा रहा हूं, इन ए मॉर्निंग, राम एंड श्याम आर फेसिंग ईच अदर इन सच अ वे दैट राम्स शैडो इज टुवर्ड लेफ्ट ऑफ श्याम। ठीक है, तो बतानी है राम इज फेसिंग व्हाट डायरेक्शन, राम जो है किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है। तो देखो क्या आएगा इसमें, देखो क्या रहेगा इसमें, ये देखो एक पर्सन की शैडो दूसरे के लेफ्ट में है, राम की शैडो है श्याम के लेफ्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके पास हिंट छुपा होता है कि क्वेश्चन में, ठीक है, राम की शैडो, राम की जो शैडो है श्याम के लेफ्ट में। तो देखो क्या है, जो पर्सन देख रहा है कि नॉर्थ में उसका ये सारा लेफ्ट है ना, ये सारा लेफ्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इस लेफ्ट वाले पर्सन की तरफ देखो इसकी शैडो पड़ रही है इस तरफ, तो क्या दूसरे पर्सन की भी इसी तरफ शैडो पड़ रही है, तो ये पर्सन है इस पर्सन के लेफ्ट में पड़ रही है दूसरे पर्सन की शैडो। ऐसा नहीं है कि एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, इसकी शैडो पड़ रही है यहाँ पे, इस तरह से नहीं, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। तो आपने ध्यान रखना, यहाँ पे हिंट छुपाता है
कि जो राम की शैडो है इस टू वर्ड श्याम का लेफ्ट, श्याम का लेफ्ट, तो यहाँ पे श्याम की शैडो बताए किस डायरेक्शन में पड़ रही है, किस साइड पड़ रही है, तो किस तरफ पड़ रही है, लेफ्ट में पड़ रही है श्याम की शैडो और राइट में पड़ रही है उसकी राम की शैडो। ठीक है, तो एक पर्सन का पता चल जाएगा दूसरे का भी पता चल जाएगा। देखो क्या है, इस तरह से एक दूसरे को फेस किया इन्होंने, एक दूसरे को फेस किया है। ठीक है, ये जो पर्सन है ये नॉर्थ में देखेगा और ये पर्सन देखेगा साउथ में। अब इस पर्सन की पड़ रही है लेफ्ट में शैडो और इसकी, इस पर्सन की पड़ रही है राइट में शैडो। ठीक है, तो ये जो पर्सन है ये जी श्याम, श्याम के लेफ्ट में पड़ रही है राम की शैडो। तो ये श्याम का लेफ्ट भी पूरा आ गया ना, तो इस तरफ पड़ रही है राम की शैडो। तो ये क्या आपके यहाँ पे जो हिंट छुपा होता है, तो राम की शैडो बताओ मुझे किस तरफ होगी, साउथ की तरफ। अगर राम है, श्याम है नॉर्थ में तो राम आ जाएगा साउथ में। ओके, तो ये आपका इस तरह से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, देखो इसी में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं, क्या चेंज है, यहाँ पे इनको कर दिया कि ये फेसिंग ईच अदर थे, इनकी मैंने बैक्स एक दूसरे की तरफ कर दी, आर राम एंड श्याम आर इन सच अ वे, आर सिटिंग One back, two other, ठीक है? एक की बैग दूसरे की बैग की तरफ है, in such a way, in such a way, क्या है, पहले जो पर्सन थे वो क्या थे, एक दूसरे को फेस कर रहे थे, अब वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की बैग की तरफ है। ठीक है, तो एक की बैग दूसरे की बैग की तरफ है, तो यहाँ पे मैं ये एग्जाम्पल यही ले रहे थे, यहाँ पे आपके पास दो पर्सन है, इस तरह से एक देख रहा है नॉर्थ में और एक देख रहा है साउथ में। ठीक है, अब नॉर्थ वाले के लेफ्ट में होगा सन, राइट में सॉरी राइट में उसके सन होगा, लेफ्ट में उसकी शैडो, और जो साउथ में होगा पर्सन उसके क्या होगा, लेफ्ट में उसके सन राइट में उसकी शैडो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला आपने, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन में कि टुवर्ड राइट ऑफ श्याम, तो मुझे बताना है श्याम कौन है राम कौन है, प्लीज जल्दी जल्दी इसको क्वेश्चन को बताओ चैट में। ओके, देखो एक दूसरे की बैक को फेस कर, एक दूसरे की बैक में बैक टू बैक बैठे हैं। ठीक है, एक देख रहा है नॉर्थ में, एक देख रहा है साउथ में, इसी तरह से होगा। तो एक की शैडो, राम की शैडो है श्याम के राइट में। ठीक है, श्याम के राइट में, तो श्याम का राइट तो क्या है, यहाँ पे इस पर्सन की राइट में पड़ रही है शैडो, ये बताना किसकी पड़ रही है, श्याम की, तो श्याम जो है वो साउथ में आ जाएगा। तो ऑब्वियसली क्या है, जो दूसरा बंदा होगा वो क्या होगा, नॉर्थ में होगा। ठीक है, तो ये हिंट यहाँ पे छुपा होता है क्वेश्चन में। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, वो आएगा एक पर्सन जो कि अपसाइड डाउन है। देखो ये मॉर्निंग के टाइम है, ठीक है, ये मॉर्निंग के टाइम है, इवनिंग के टाइम में शैडो किस तरफ बनती है, इवनिंग के टाइम में शैडो बनेगी ईस्ट की तरफ, मॉर्निंग में पड़ती है वेस्ट में तो इवनिंग में पड़ेगी ईस्ट में, तो उसमें भी सेम ही क्वेश्चन होगा। ठीक है, जो चेंज क्या आएगा, चेंज रहेगा आपका कि उनकी जो शैडोज हैं वो थोड़ा सा चेंज करेंगे, उनकी डायरेक्शन चेंज करेगी। देखो एक पर्सन देख रहा है कि नॉर्थ में, दूसरा पर्सन देख रहा है साउथ में,
तो यहाँ पे अभी सन ये इवनिंग टाइम है, ठीक है। तो इस पर्सन की शेडो है, इसके राइट में आता है ईस्ट और लेफ्ट में इसके वेस्ट होगा, लेफ्ट में वेस्ट है तो नॉर्थ वाले पर्सन की होगी, अभी शेडो होगी इसकी राइट में, और जो साउथ में देखेगा पर्सन उसकी क्या होगी, लेफ्ट में होगी उसकी शेडो, ठीक है। तो ये चेंज आता है इसमें इवनिंग टाइम, ठीक है। अभी मैं जो बात कर रहा था कि अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन के बारे में किस तरह से आएगा कि कोई पर्सन है वो देख रहा है, उसने क्या किया है, हाथ नीचे मतलब सिर नीचे और टांगे ऊपर, ठीक है, वो कर रहा है योगा की पोजीशन है कोई उसकी, ठीक है, योगा कर रहा है। तो जो योगा इस टाइम कर रहा है तो उसमें शेडो जो है, शेडो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात होगी उसमें, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, अ मैन इज डूइंग योगा, चलो मैं इसको मॉर्निंग टाइम लेता हूँ, इन ए मॉर्निंग अ मैन इज डूइंग योगा keeping his legs up and head down, ठीक है। If his shadow falls behind him, then in which direction his left hand be? उसका left hand किस direction में होगा, ये question है, ठीक है। तो देखो इस question को क्या होता है, जब भी कोई person एक particular direction में देख रहा है, ठीक है, मान लो नॉर्थ में देख रहा है कोई पर्सन, सामने देख रहा है, ठीक है, तो उसका क्या होगा, उसके राइट में होगा ईस्ट, लेफ्ट में होगा उसके वेस्ट, ठीक है। बट वही पर्सन अगर क्या होगा, अपसाइड डाउन हो जाए तो क्या होगा, उसके लेफ्ट और राइट क्या होंगे, थोड़े से उसके चेंज हो जाएंगे। ये ऐसा नहीं कि एक बाजू उठ के दूसरी साइड तरफ चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उसके क्या होगा, जो लेफ्ट है वो उसके मतलब वेस्ट में आ जाएगा, सॉरी ईस्ट में आ जाएगा, ठीक है, और राइट जो है उसके वेस्ट में चला जाएगा। देखो एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ये मैं यहाँ पे डॉट टाइप बना रहा हूँ, ठीक है। ये है जी पर्सन, इसकी ये इसके हैंड्स है, ठीक है, ये कर रहा है फेस, हमें फेस कर रहा है, ठीक है, हमें फेस कर रहा है, तो हमारे राइट की तरफ इसका होगा, यहाँ पे इसका लेफ्ट होगा, और हमारे लेफ्ट की तरफ इसका राइट होगा, ओके। अब इस पर्सन को क्या मैंने क्या किया, मैंने अपसाइड डाउन कर दिया। अपसाइड डाउन क्या होगा, ये जो है पर्सन इस तरह से, इसका अब सिर हो गया नीचे, फेस हमें ही कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो लेफ्ट है ये लेफ्ट आ जाएगा इस तरफ को, ये राइट इसके हमारे लेफ्ट की तरफ आ गया, और दूसरा जो है हमारे इसका राइट हमारे राइट की तरफ आ गया, तो ये चेंज आएगा इसमें, ओके। और इसमें एक और इसमें वर्ड आया है बिहाइंड, तो बिहाइंड का क्या आएगा, बिहाइंड का क्या मतलब है, बिहाइंड का मतलब है कि कोई पर्सन है, पर्सन के बैक में शेडो पड़ना, कोई पर्सन है, जैसे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको फेस कर रहा हूँ, आप मान लो सन हो, तो मेरी शेडो क्या है, मेरी आगे शेडो ना पड़ के मेरे पीछे शेडो पड़ेगी, बट अगर मैं सन के उल्टी दिशा में खड़ा होऊंगा, ठीक है, क्या किया मैंने, सन की तरफ अपनी पीठ कर दी, तो मेरी शैडो किस तरफ है, मेरी शैडो पड़ेगी आगे मतलब फ्रंट में। तो यहाँ पे जो पर्सन है, पर्सन की शैडो पड़ रही है मॉर्निंग टाइम में उसके बिहाइंड, तो क्या मतलब है, क्या मतलब है इसका, कि
वो उसके बैक में, वो सन को फेस कर रहा है, यस वो सन को फेस कर रहा है, ठीक है। तो सन को फेस कर रहा है, तो आपने क्या करना है, इसमें हम ये इसमें बना नहीं सकते, इसको प्रॉपरली नहीं बना सकते, तो हमने क्या करना है, इसमें डायरेक्शन के ऊपर चलना है कि ईस्ट में यहाँ पे है जी सन, ठीक है, इस तरफ है सन, और जो पर्सन है, पर्सन अगर देख रहा है ईस्ट में, तो उसका लेफ्ट और राइट किस तरफ को होता है, लेफ्ट जो है आपका ऊपर होता है, राइट होता है जी नीचे, राइट आपका हमेशा क्लॉकवाइज आएगा, बट इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब उसका पर्सन देख रहा है अपसाइड डाउन है वो बंदा, और उसका लेफ्ट और राइट चेंज हो गया, तो अभी अभी के लिए उसका क्या होगा, राइट होगा उसका ऊपर की तरफ जो नॉर्थ को फेस करेगा, और लेफ्ट होगा उसका साउथ की तरफ, ठीक है, अपसाइड डाउन सिचुएशन में, ठीक है। तो आपको क्या होगा, इसका लेफ्ट हैंड किस तरफ आएगा जी, लेफ्ट हैंड आएगा उसका साउथ की तरफ, ओके। इज इट क्लियर, ठीक है। तो ये था जी आज का सेशन लाइव आपके डायरेक्शंस का। तो जब भी आपका नेक्स्ट सेशन होगा तो उसमें हम करेंगे इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन, ओके। थैंक यू एवरीवन।